कहाँ निकल गो? निकल जाने चलो। स्कूटी सही करवा लो। हाँ करवा लो। ये बाथरूम देख देखो ये। लाइट यहाँ पे तो लगा मस्त लगे। हाँ ऊपर ना ले, पहले तू इनने बना ब्लॉग। बनेगी जी 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 बना दे ना। हेलो गाइस, यह पूजा पर दोस्तों सब लोग मिलकर गाड़ी में से सामान उतार रहे हैं। बहुत सारा सामान इतना ज़्यादा थक गए थे उस घर से, इस गाड़ी में शिफ्ट किया, पर अब नए घर में हम आ गए हैं। तो बस ये सामान देखकर ऐसे टेंशन हो रही है, कैसे होगा सब कुछ। दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है और थक इतने गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। तो गाइस फाइनली हमारा सामान पूरा गाड़ी में से उतर गया है। ये देखिए जो सारे बिस्तर वगैरह हैं आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर ये मेन गेट है। पूरा घर गंदा हो रहा था तो ये सारा सामान इस तरह से भरा हुआ है। जी तोड़ मेहनत कर, और ये मेरी मनी प्लांट की बेल अलमारी को यहाँ पे लग गया है, जाके काम होगा। तो पूरा सामान अभी सेट हो रहा है, कुछ भी सेट नहीं हुआ है, ये सारा उतर गया है। और ये काम करते सब कुछ ऐसे ही बज गया पड़ा हुआ है कि हम लगे थे 6 बजे के उस घर से। तो यहाँ पर ये सब कुछ इस घर में लाने तैयार है सेट होने के लिए। तो जो भी है ये मेरा फाइनल, तो मतलब ये मेरा घर है नया, देख सकते हो कितना अच्छा घर है। तो बहुत मतलब अच्छा है, इसमें ऊपर नीचे जाने का कोई झंझट नहीं है, मतलब ऊपर किचन वगैरह नहीं है, नीचे ही किचन है। और ये सीढ़ियाँ ऊपर छत पर, मतलब कोई रूम वगैरह नहीं बना हुआ है। तो अच्छा है, जो भी तो है मकान बढ़िया है, तो मतलब जो मेरी परेशानी थी वहाँ पर मेन 15 बजे से ऊपर जाओ खाना पीना वाला बड़ी दिक्कत होती थी, तो यहाँ पर वो चीज़ फिर से मुझे नहीं करनी पड़ेगी, वो दिक्कत मुझे बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बस तो यहाँ पर ज्यादा थकान सामान लग रहे हैं बहुत ज्यादा। तो फिर हम पूरा यहाँ से धोएंगे, अच्छे से साफ करेंगे, पूरे किचन को रगड़ रगड़ के साफ करना है। किचन को ही तो उसके बाद जब पूरा ये किचन का ये है कि बच्चों को खाना पीना जब तक नहीं कर लेते हैं सारा, उसके हिसाब से दूध वगैरह भी गर्म करना है। तो यहाँ पर हम किचन में लग गए जी तोड़ मेहनत करने के लिए। तो इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही थी, पता नहीं कैसे अपने घर को गंदा कर रखा था। तो यहाँ पर इतनी सिंग वगैरह इतना गंदा हो रहा था, टेल वगैरह जो भी है। तो पूजा यहाँ पर टेल वगैरह साफ़ कर रही है, अच्छे से रगड़ रगड़ कर इसको साफ़ कर देंगे। और ये सिंग इतनी गंदी हो रही थी, मैंने हार्पिक डाल के इसको साफ़ किया था। यहाँ पर आप प्रूफ के साथ देख सकते हो इतनी गंदगी फैली हुई थी कि मैं तो ये सोच रही थी पता नहीं कैसे किराएदार रह के गए हैं यहाँ पर, कोई भी XYZ कोई भी रहा हो इसमें, चाहे मकान मालिक, लेकिन इतनी गंदगी नहीं फैला के रखनी चाहिए भाई, सफाई तो बनती है करना। और ये देख सकते हो यहाँ पर टेल भी इतनी गंदी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ गंदा था। लेकिन ऐसा है ना कि आप किसी घर में आओ तो सफाई तो रखनी चाहिए। तो ये मतलब मैं कोई भी घर में, पहले मैं एक कमरे की मतलब एक कमरे में ही रहती थी रेंट के में, तो मैं तो उसकी भी इतनी ज़्यादा सफाई रखती थी, बहुत ज़्यादा सफाई रखती थी। तो यहाँ पर पहले हम किचन को ही साफ़ करेंगे रगड़ रगड़ के, और हम 3 हैं काम करने वाले, तो जल्दी हो जाएगा जो भी है, लेकिन धीरे धीरे ही मेरा मन लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इतने टाइम से हम किसी भी घर में रहें या फिर कहीं भी रहें तो वहाँ पर ऐसा है ना कि मन लग जाता है। तो यहाँ पर जल्दी सी ना नए घर में मन नहीं लग पाता, नई जगह पर इतनी जल्दी मन नहीं लग पाता। तो बस वो ही है कि मेरे यहाँ पर गैस वगैरह सब कुछ जम गई है।
फाइनली मेरी किचन एकदम चमक गई है और यहाँ पर ये देख सकते हो चमकी हुई किचन का व्यू कितना प्यारा आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, इस रसोई में एक ही प्रॉब्लम है कि जो रैक वगैरह जो भी होता है डिब्बा वगैरह रखने का, वो कुछ भी नहीं है। जो मेरे पास रखा हुआ था पहले, उसी में मैंने अपने सारे डिब्बे वगैरह सेट कर दिए हैं। बड़ी दिक्कत होती है किचन, अगर आप बनवाओ तो कम से कम ऐसे बनवाओ कि जिसमें सामान वगैरह या फिर किचन की अलग से फर्नीचर की वो होती है वो करवाना चाहिए, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर मैं सिलेंडर के इसको रेगुलेटर को इतनी कोशिश कर रही थी खोलने की, क्योंकि जो स्लीपर में वो छेद होता है उसके अंदर प्रो के मैं लगाना चाहती थी, लेकिन ये मुझ पर निकला ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, गैस के पास से भी घुमा कर कोशिश की, लेकिन ये नहीं निकला। तो आखिरकार मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया, ऐसे ही डायरेक्टली लगा दिया। तो इतनी खैचत आनी हुई थी, बहुत ज़्यादा खैचत आनी हुई थी। तो यहाँ पर सलोचना ने भी इसकी कोशिश की थी निकालने की, लेकिन ये नहीं निकला। बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे ये मेरा फाइनल किचन का वो है कि मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, तो हम इसमें अच्छे से खाना बना पाएंगे। घर का जो भी काम है वो तो होता रहेगा, क्योंकि रात तो हमें होने वाली है, ये तो हमें पता ही है कि रात हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों ने पूरी फुल दम लगा के इसको हमने खींचने की कोशिश की, लेकिन ये हमारे हमसे नहीं हुआ। इतनी कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। तो बस यही है कि नए घर में आने की खुशी भी होती है और पुराने घर को छोड़ने का थोड़ा दुख भी होता है कि उसमें मैं इतने टाइम से रह रही थी। मतलब मैं इतने संघर्ष जितना मैं कर रही हूँ, भगवान ने चाहा तो एक दिन मेरा भी सपना मेरे घर का पूरा होगा, और वो दिन भी जल्दी ही आएगा कि जो सपना मैंने देखा है घर का वो भी एक दिन पूरा होएगा। तो यहाँ पर ये नहीं हुआ और मैं फुर्सत से बैठ गई थी। तो इससे वो होती है ना कि प्रॉब्लम नहीं होती है सिलेंडर लगाने की, वो स्लीपर के नीचे रखने को ठीक रहता है, लेकिन वो नहीं हुआ कि मैं इतनी दम लगा के इसको खींचने की कोशिश की थी तो थक हार कर बैठ गई। कोई भी हल इसका नहीं निकला था यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा जहाँ पर मैं पहले रहती थी उससे थोड़ा दूर है घर, मतलब काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर देख सकते हो किचन तो इतनी अच्छे से चमक गई, और ये मेरा डुगू स्कर्ट को पहन के ऐसे डोल रहा है जैसे ये लड़की हो। तो यहाँ पर हम मतलब कोई बात पर हंस रहे थे, क्योंकि दिमाग तो ख़राब होता ही है इतना सामान देखकर, इतना सब कुछ देखकर। लेकिन आप काम जब आसान हो जाता है कि आप हंसते बोलते मुस्कराते हंसी मजाक करते हुए सारा काम कर लो, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर ये दोनों तो लगी हुई थी मतलब साफ़ सफाई करने में, तो मैंने किचन को हमने मिलकर साफ़ कर लिया था। तो मैं यहाँ पर पहले दाल चावल बनाने रख दूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ों से भूख लगी थी, बहुत वाली तेज़ों वाली भूख लगी थी। तो मैं प्याज लहसुन काट करके इनको मतलब पहले दाल बना लूँगी, उसके बाद मैं चावल बनाऊँगी। तो क्या है, अगर हम सब जने इसी सब सफाई में लगे रहेंगे तो मुश्किल हो जाता है कि खाना कौन बनाएगा। तो यहाँ पर ये मेरा खाना बनकर भी तैयार हो गया है। तो मुझे मतलब मेरी किचन को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, एकदम साफ़ सफाई हो गई, एकदम चमका दिया है मैंने इसको। तो ये मेरी किचन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही। तो सिंक में ये जो पाइप लगे रहते हैं ये टूटे हुए थे, इसलिए हमने पानी के लिए बाल्टा लगाया हुआ था, क्योंकि ऐसे होता है ना कि बंद घर में कोई भी चीज़ ऐसे ख़राब हो जाती है तो वो ही है। तो ये आप देख सकते हो फाइनली घर की साफ़ सफाई जितना हम पर बन सका हमने कर दी है पूरे घर की। और हमें इस काम को करने में रात के 11 बज गए थे, रात को 11 बजे हमने नहा धोकर खाना खाया था। इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग गया था। तो ये बरामदा है, और यहाँ पर मैं आपको होम टूर घर का जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो ये आप फाइनली लुक देख लीजिए कि मेरे घर की साफ़ सफाई होने के बाद कितना ज़्यादा प्यारा और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस सब बच्चे सो गए थे, तो मैंने रात को ये वीडियो बनाई थी कि कितना अच्छा ये घर लग रहा है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।